गढ़वा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जिले के मेराल प्रखंड के पेशका हाई स्कूल के मैदान में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के पक्ष में सरमा ने चुनावी सभा की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सहित अन्य मंत्रियों पर भी जमकर निशाना साधा और उनके कार्यकाल पर सवाल खड़े करते हुए इन पर खूब आरोप लगाए। शर्मा ने कहा कि इन लोगों का पेट इतना बड़ा है, जितना खाते जाओ लेकिन भरता नहीं है। वहीं अपनी चुनावी सभा में पहुंचे लोगों से वादा करते हुए शर्मा ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही हम लोग जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे, न कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की तरह करेंगे। सास का पैसा बंद और बहू का सम्मान, इस तरह के काम केवल हेमंत सोरेन की सरकार में किया जाता है। इस तरह का काम कोई और नहीं कर सकता। स्ट्रीट बस के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट। बहनों, ये मिथिलेश ठाकुर ने पाप किया है मां का विसर्जन को रुकवा के। ये मंदिर में अपना पिता माता का नाम काला टका काला रुपया से गेट बना के माता पिता का नाम ऊपर, ये मां का साथ अन्याय हुआ है। हमारे समाज गरीबों से उन्होंने पानी भी जा पीने का अधिकार उन्होंने छीन लिया है। भाई और बहनों, 13 तारीख हमें ये सबका बदला लेना है ईवीएम मशीन में सत्येंद्रनाथ तिवारी को जिता के। जिताना है कि नहीं जिताना है? जिताना है कि नहीं जिताना है? ये गढ़वा का पवित्र धरती से हमारे बीजेपी का विजय यात्रा आप लोगों को शुरू करवाना है और पूरा झारखंड में लोग उत्साहित होगा। एक रहना है हमारा समाज का, एक बार एक ही वोट बिखरना नहीं चाहिए। आप लोग मिल के काम कीजिए, समाज इस बार नहीं बसेगा तो आगे ये समाज को हेमंत सोरेन मिथिलेश ठाकुर खा जाएगा। भाई और बहनों, ये झारखंड में सरकार नहीं है, हेमंत सोरेन बोलते हैं, कल्पना सोरेन अच्छा कर रहा है और कल्पना सोरेन बोलते हैं एक ही नारा हेमंत दोबारा। हेमंत कल्पना के बारे में बोलते हैं, कल्पना हेमंत के बारे में बोलता है, बेरोजगार युवाओं के लिए दोनों नहीं बोलते। एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है, हेमंत बोलता है कल्पना, कल्पना बोलते हैं हेमंत। भाई आप लोगों का ये एक दूसरे के लिए हम बाद में देखेगा, अभी हमें नौकरी चाहिए, हमें बालू फ्री में चाहिए, हमें हमारा समाज और संस्कृति को रक्षा करना का यही हमारा समय है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बहुत ही उत्साह साथ आप लोगों ने स्वागत किए थे। प्रधानमंत्री जी ने मुझको बोला कि गढ़वा का सभा ऐतिहासिक थे, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मैंने प्रधानमंत्री जी को बोला, प्रधानमंत्री जी सभा तो ऐतिहासिक थे लेकिन गढ़वा से हमारा विजय भी ऐतिहासिक रहेगा। सारे सोने का सिक्का कौन खा गया? किस कौन खा गया? आलमगीर आलम, इरफान अंसारी और मिथिलेश ठाकुर खा गया। पेट भी हाथी जैसा है, खाई जाते हैं। आप देखिए ये क्या कर रहा है, मैया सम्मान
1000 रुपया 3 महीना का, सरकार साले 5 साल, चार साल 7 महीना कुछ नहीं मिला। अभी क्या बोल रहा है कि 3 महीना का मैया सम्मान। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बुजुर्ग पेंशन से महीना से बंद है कि नहीं, है कि नहीं? बुजुर्ग का पेंशन बंद किया, मिथिला ठाकुर हेमंत सोरेन ने दिमाग लगाया, हमारे बुजुर्ग का विधवा का पेंशन बंद किया और वही रुपया मैया योजना खोला, खास का पैसा बंद और बहू का सम्मान। और बहनों, ये लोग बोलता है कि अब वो आवाज होगा, अरे बिना बाली का आवाज बनते हैं क्या? कोई मिथिलेश ठाकुर का हाथ में फॉर्मूला है क्या बिना आवाज, बिना बालू आवाज बनाने का? अभी पलामू में यह हालत कर दिया, सोने का दाम कम है, बालू का दाम ज्यादा है, गरीब बालू नहीं मिलते हैं, दलाल बालू मिलते हैं। सरकार बनने का साथ साथ हम गरीब और मध्यम वर्ग को अपना मकान बनाने के लिए बिना पैसा में बालू देने का काम करूंगा। अगर कोई मेरा बेटा बेटी छोटे छोटे ट्रैक्टर में, छोटे छोटे गाड़ी में कोई बालू का काम करते हैं और पुलिस उनमें दखल देने का कोशिश करता है, तो हम पुलिस को भी बोलूंगा कि भैया अभी सरकार मिथिलेश ठाकुर का नहीं है, नरेंद्र मोदी का सरकार है, ये सब नहीं चलेगा। भाई और बहनों, क्या आपने नहीं देखा, बाबर ने भी सोचे थे कि मेरा नाम में मस्जिद हो गया और हिंदू का ताकत नहीं होगा राम का मंदिर बनाने का, लेकिन हिंदू ने 500 साल संघर्ष किया, आखिर हमने राम मंदिर बना के दिखा ही दिया।